हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा सीएलएसए के द्वारा भारतीय बाजारों के बारे में जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके बारे में, और वो जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है वो सब इस वीडियो के अंदर आकलन करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त सी रविंद्र वत्स। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं सीएलएसए के साथ। देखिएगा, सीएलएसए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी के अंदर एक जाना माना ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेने में जो है महारत हासिल किए हुए, जिसके अंदर आप देखिएगा असेट्स मैनेजमेंट है, कॉरपोरेट फाइनेंस है, कैपिटल मार्केट है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है, वेल्थ मैनेजमेंट है। इस तरीके की ये जो कंपनी है ये जानी मानी इंटरनेशनल कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर हांगकॉन्ग के अंदर और इंडिया के अंदर भी इसके जो ब्रांचेज हैं वो काम करती हैं। तो सीएलएसए एक जाना माना जो है ग्रुप है, जो कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको एडवाइज करता है और उनकी इन्वेस्टमेंट के मामले में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है हेल्प करता है, और इसके अलावा जो है उनके इंस्टीट्यूशनल जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर है। तो अभी सीएलएसए के बारे में तो बात हो गई कि भाई सीएलएसए ने ये सीएलएसए क्या, अब सीएलएसए ने क्या कहा अपनी रिपोर्ट के अंदर। तो देखिए, 29 सितंबर को ये इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर ये खबरें छपी, और ये जो खबरें सीएलएसए की जो रिपोर्ट है उसके संदर्भ में थी। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है, तो सबसे पहली बात क्या है कि ये जो रिपोर्ट कहती है वो रिपोर्ट कहती है कि जो इंडिया के शेयर बाजार हैं वो 30% तक गिर सकते हैं, और जो इंडिया के बाजार डीकपलिंग कर रहे हैं। तो मैं पहले बात करता हूँ डीकपलिंग क्या होती है। तो देखिएगा, डीकपलिंग का मतलब होता है कि जब आपके अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार हैं यानी कि जो भी इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स हैं वो अलग तरीके से रिएक्ट कर रही हों और हम एक अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि भाई ये डीकपल हो रहे हैं। डीकपलिंग के जो रीजंस हैं वो फंडामेंटल बेसिस पर जो है समझाए जा रहे हैं कि देखिएगा, जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज है वो काफ़ी स्लो हो रही हैं या वहाँ पर रिसेशन लाइक सिचुएशंस हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है अभी भी मजबूत है और हमारे जो फंडामेंटल्स हैं उतने वीक नहीं है, जिसकी वजह से हम डीकपलिंग कर रहे हैं, यानी कि हमारे बाजार अच्छा कर रहे हैं जबकि पूरा यूरोप या जो एमर्जिंग मार्केट्स हैं वहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ख़राब है। तो सीएलएसए ने जो अपनी रिपोर्ट है उसमें कुछ आंकड़ों के बारे में बात की है, तो उनमें से कौन से ऐसे आंकड़े हैं जिसकी वजह से वो 30% तक का डाउनफॉल जो है निफ्टी के अंदर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कि निफ्टी अगर 30% के अंदर करेक्ट होता है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे बाजारों में जो मिड कैप और स्मॉल कैप के जो पोर्टफोलियोज हैं उनके ऊपर शायद इससे भी ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट आ सकता है। तो अब इस रिपोर्ट के अंदर जो लिखा हुआ है उसमें कितनी सच्चाई है वो हम आकलन नहीं करेंगे, लेकिन इसका कितना असर जो है हो सकता है वो हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है ये पॉइंट आउट करती है, सबसे पहला पॉइंट, और वो ये कहती है कि जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक मेजर डिफरेंस जो है यूएस के अंदर और इंडिया के अंदर रहता है। देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि कुछ समय पहले तक यूएस के अंदर तो इंटरेस्ट रेट 0 या 1% के जो है नीचे रहते थे, और हमारे यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% या 5% के आसपास जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट थे वो इस दायरे में रहते थे। तो हमारे यहाँ के जो बॉन्ड्स हैं और जो यूएस के बॉन्ड्स हैं उनके बीच में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था वो तकरीबन 4.5-5% का रहा करता था, और ये जो 4.5-5% का रहता था तो इसकी वजह से क्या होता था कि जो यूएस के जो फंड्स हैं या जो बाकी जो इकोनॉमीज हैं वहाँ से बहुत सारा पैसा हमारे बॉन्ड मार्केट में आता था, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता था। तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने की जो है वजह से यहाँ पर एक एज था हमारी इंडस्ट्री के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर, कि भाई आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा। लेकिन हमारी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो जाती है जनरली 4% के आसपास एनुअल बेसिस पर अगेंस्ट द यूएस डॉलर, और अभी हालांकि रिसेंटली आपको पता है डेप्रिशिएट हुई भी है पिछले 10-15 दिनों में भी। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये जो है गैप जो है रिस्क जो रहता है डॉलर और रुपी की जो करेंसी का जो रिस्क है उस इक्वेशंस के लिए जो है ये 4% और 4.5% का रहता है। तो इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स हैं और जो यूएस गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो तकरीबन 4.25-4.5 एवरेजली बेसिस पर अगर आप जाएंगे थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम में तो 4.5% का रहता है। अब ये जो डिफरेंस है ये आ गया है 3.3%। तो ये जो रिपोर्ट का जो पहला तथ्य है जो है उन्होंने रखा है वो यही रखा है कि ये 10% के आसपास का जो फॉल है, सॉरी 10% का जो 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है उसका जो डिफरेंस है वो 3.3 रह गया है। कितना रह गया जी? 3.3
3 रह गया, यानी कि जो 10 साल की जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो 3.3% रह गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अब इंडिया के अंदर जो करेंसी रिस्क है वो शायद गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं वो फेवरेबल नहीं रहेंगे, तो जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा इंडिया की बॉन्ड मार्केट में भी नहीं आएगा। तो अगर इंडिया की बॉन्ड मार्केट में वो पैसा नहीं आएगा तो उसकी वजह से जो रुपए डॉलर की इक्वेशन है वो हमारे लिए और अनफेवरेबल हो सकती है, यानी कि डॉलर और मजबूत हो सकता है हमारे रुपए के सामने, और वो ऐसी हालत हो सकती है कि हम 83-84 की तरफ भी बढ़ते हुए नजर आए और इवन 85 की तरफ भी जाएं, तो वो एक सिचुएशन जो है एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है जो CLSA ने अपनी रिपोर्ट के अंदर बताई है। तो ये जो है अपने लोएस्ट पॉइंट पे है, तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। दूसरी बात ये है कि जो हमारी एमर्जिंग मार्केट्स हैं, यानी कि आप ब्राज़ील की बात करिए, रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, और इसके अलावा जो बाकी एमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, अगर वहाँ से अगर हम बात करें तो उनके मुकाबले में जो इंडेक्स है, यानी कि जो शेयर बाजार के अंदर इंडेक्स है, वो काफ़ी डेप्रिशिएट हुए हैं, वहाँ पर काफ़ी गिरे हैं। और अगर उनकी पी वैल्यूशंस को हमारी पी वैल्यूशन से आप कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो उसका जो डिफरेंस था, यानी कि जो पी वैल्यूशंस एमर्जिंग मार्केट में रहती हैं और जो हमारी मार्केट में जो पी वैल्यूशंस रहती हैं उनका जो गैप है वो ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो फॉरेन फंड्स हैं उनके लिए निवेश करने के मौके ग्रोथ वाली इकोनॉमीज़ के अंदर अगर हम देखें, एमर्जिंग इकोनॉमीज़ में देखें, तो इंडिया से ज़्यादा बेहतर उपलब्ध हो रहे हैं, ये CLSA की रिपोर्ट में दावा किया गया है। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया के जो शेयर बाजार हैं वो 30% तक डेप्रिशिएट कर सकते हैं, यानी कि 30% तक घट सकते हैं, एक फॉल हम 30% तक का देख सकते हैं, ये इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। हालांकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए यूनिक हैं, हमारे लिए फेवरेबल हैं, जैसे कि हमारी इकोनॉमी स्लो तो हो रही है लेकिन अभी भी हम जो है वर्ल्ड के अंदर जो है बेस्ट परफॉर्मिंग जो इकोनॉमीज़ हैं उनके अंदर शुमार है, तो GDP फ्रंट्स पे हम अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे GST के कलेक्शंस के जो डेटा हैं वो भी स्टेबल हैं, जो अभी आपने कल देखे थे। तो हो सकता है कि इस रिपोर्ट ने थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर जो है ये बात कह दी हो और उनको लगता होगा कि जो है रिस्क है कि भाई वो 30% तक का रिस्क हो सकता है, बट ये मुझे लगता है एक्सट्रीम केस के अंदर 30% है। हालांकि देखिए हमारे बाजार चले हैं और हमारे यहाँ पे जो डोमेस्टिक मनी है वो बाजार में आई है, और मेरा भी जो मत है वो ये है कि हाँ बाजार के अंदर एक रिस्क तो है लेकिन शायद 30% तक का ना होके वो थोड़ा सा कम रहे, और हो सकता है कि 15-20% के अंदर हम सिमट जाएं, और चांसेस हैं कि इस तरीके की स्थिति आ सकती है। और रीज़न जो है वो इंटरनेशनली है, डोमेस्टिक से ज़्यादा, और डोमेस्टिक से ज़्यादा इंटरनेशनली क्यों है कि कोई भी जो इकोनॉमीज़ हैं आपस में वो जुड़ी हुई हैं एक दूसरी इकोनॉमीज़ के साथ, लेकिन बहुत बड़ी इकोनॉमी हमारी खुद ही एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर हम 130 करोड़ लोग अगर इंडिया में खुद हैं तो हम खुद में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी जो है अपने आप में, और बहुत बड़ी कंजम्पशन हमारी इंडिया बेस्ड है, तो उसका जो असर है वो शायद इतना ना हो जितना वर्ल्ड में है, लेकिन हम बिल्कुल अछूते नहीं हैं क्योंकि बहुत सारी जो हमारी कंट्रीज़ के अंदर जो कंपनीज हैं वो एक्सपोर्ट से अर्निंग्स करती हैं, जो IT है वो एक इम्पैक्ट कर सकता है, इसके अलावा जो एक्सपोर्ट सेक्टर्स है वो इम्पैक्ट कर सकता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल अछूते हैं। हाँ, बट ये हो सकता है कि हम 30% तो शायद ना करें लेकिन 20% के आसपास तक हमारे बाजार आने वाले समय के अंदर कर सकते हैं, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो हमारे बाजार हैं वो वेट एंड वॉच स्थिति में है कि जब हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तो वो शायद रिएक्ट करेंगे। हो सकता है मैं इसके बाद एक वीडियो आपके साथ और शेयर करूं जिसमें मुझे अपने पर्सनल व्यू जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा भाई क्या आज की डेट में बाजार में स्थिति लग रही है। और अभी तक डाउ जोन्स का जो बाजार है वो 19% गिर चुका है, यानी कि जो अगर विश्व के अंदर अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो भाई जो सबसे दिग्गज इंडेक्स है वर्ल्ड के अंदर वो 19% गिर चुका है, और हम इस साल के अंदर अभी तक 3.7% पॉजिटिव 3.7% ही गिरे हैं जबकि डाउ जोन्स 19% गिरा है। तो ये जो डीकपलिंग है ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी, ऐसा विशेषज्ञों का भी मानना है, मुझे भी लगता है पर्सनली अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कि शायद ये डीकपलिंग थ्योरी बहुत लंबे समय तक ना चले और बहुत ही जल्द आपको इसके परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। और क्यों नहीं होगी मैं आपको बताऊं, देखिएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस 3.3 रह गया और करेंसी रिस्क जो है 4 से 4.5% का है, तो अगर 4% का करेंसी रिस्क लें और 3.3
3.3% के अंदर वो 4.5% का करेंसी रिस्क जोड़ें तो वो हमारी जो गवर्नमेंट बॉन्ड के जो रेट्स हैं उससे कहीं ज़्यादा आते हैं। तो अगर वहाँ से ज़्यादा आते हैं तो लोग धीरे धीरे करके यहाँ से अपने फंड्स निकाल भी सकते हैं और जो इनफ्लोज हैं यानी कि आने वाली जो स्थिति है वो एडवर्स में भी जा सकती है। हालांकि अभी वो स्थिति जो है न्यूट्रल पैमाने के ऊपर है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो रिपोर्ट है इसमें काफ़ी कुछ जो है सोचकर लिखा गया, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट में लिख दिया गया है। 20% तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ, 15 से 20% तक इंडिया के बाजार डाउनफॉल कर सकते हैं। और ये जो 10% का है ये भी हम छोड़ देते हैं, इसलिए जब हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तो स्थिति और अच्छे से साफ होगी। अगर वर्ल्ड स्लो होगा तो हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा और इसको जो है आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर हम पी वैल्यूशंस की भी बात करें तो हमारे जो पी वैल्यूशंस हैं आप एमर्जिंग मार्केट के सामने जो है अगर हमें एमर्जिंग मार्केट के सामने देखें तो हम एक प्रीमियम वैल्यूशंस पर ट्रेड कर रहे हैं। अभी एट द 98th परसेंटाइल इंडियाज रिलेटिव वैल्यूशन ऑफ एमर्जिंग मार्केट्स एंड एशिया एक्स जापान इज ऑल्सो नियर रिकॉर्ड हाई। तो हम अपने नियर रिकॉर्ड हाई के आसपास हैं जो कि एमर्जिंग मार्केट के मुकाबले में हमारे को जो वैल्यूशंस मिल रही हैं। और अगर हम जो अब डेटा आ रहे हैं द ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन कुड हिट इंडियाज प्लान्स फॉर हायर एक्सपोर्ट ट्रेजेक्टरी। तो इस ट्रेजेक्टरी के अंदर जो है हमारे को जो हायर एक्सपोर्ट की जो हम बात हो रही थी उस पर भी शायद डेंट पड़ता हुआ आपको नजर आए। तो जो कंपनियां हमारे भी पोर्टफोलियो में आपके पोर्टफोलियो में अगर उनकी एक्सपोर्ट की अर्निंग्स घटेगी उनकी ईपीएस घटेगी तो ये तो पक्का है कि एक नई इन्वेस्टमेंट आने में और साथ में जो अभी इन्वेस्टमेंट हो रखी है उसके ऊपर रिटर्न निकालने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो इन्वेस्टर जो है बैकफुट पर आ सकते हैं और जिस तरीके से जो है रेपो रेट और रिवर्स रेट रेपो रेट जो है कल आरबीआई के गवर्नर ने बढ़ाने की जो घोषणा की है उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि जो बॉन्ड मार्केट के अंदर जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है और इंडिया के अंदर अभी भी वैल्यूएशन स्ट्रेच है और अब हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी डेंट पड़ता हुआ नजर आएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ होती है तो तुरंत नहीं होती है, उसके असर धीरे धीरे आते हैं। और कल अगर हम शेयर बाजार की भी बात करें तो डाउ जोन्स के अंदर जो गिरावट आई है वो काफ़ी जो है सीवियर हमें देखने के लिए मिली है। तो उन सब पैरामीटर्स के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो जो है सब कुछ नेगेटिव ही लग रहा है। अभी डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज जो है 28725.51 यानी कि किस ऑफ डेथ पैटर्न के आसपास जो है डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज है अगर हम टेक्निकल पैरामीटर्स पर देखें तो। और वो अगर एक सोमवार का फॉल अगर आपको और देखने के लिए मिल जाए तो किस ऑफ डेथ पैटर्न जो है वो एक लॉन्ग टर्म के अंदर जो है ये इंडिकेट करता है कि बाजार जो है अब लॉन्ग टर्म के उस दौर के अंदर गुजर सकता है जहां पर कि बाजार 12 से 15 महीने के लिए बेरिश सेंटीमेंट के अंदर जा सकता है। तो ये जो पैटर्न है इसकी भी बहुत अधिक जो है संभावना बन रही है। और डाउ जोन्स अपने देखिएगा इस पूरे साल के लोएस्ट पॉइंट के ऊपर क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर आप ये कहें कि भाई हमें अमेरिका से कुछ नहीं लेना, अमेरिका से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम डीकपल करते रहेंगे, ये शायद एक ऐसा मतलब अपने मन को समझाने वाली बात है कि भाई ठीक है सब कुछ ठीक है लेकिन वास्तविकता से परे है। लेकिन इंडिया के अंदर जो अभी डोमेस्टिक मनी है उसका फ्लो बहुत बढ़िया है और उसकी बदौलत जो है हमारे बाजार टिके हुए हैं। लेकिन यही जो चर्चा है हम अगली वीडियो में करेंगे कि क्या DIIs की जो इन्वेस्टमेंट है या जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो एक फ्रूटफुल एग्जिट क्या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तो वो देखना ना भूलिएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको ये वीडियो बेहतरीन लगी है तो चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।